सर। चलो हाँ बच्चों कैसे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, चलिए आज कुछ पढ़ते हैं। जब कोई जाप बनाया जाता है तो जाप बनाने के लिए पहले उस पर क्या किया जाता है, मार्किंग मीडिया लगाया जाता है और ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है। कार्य करते समय बार बार जाप को छूने से मार्किंग मिट जाती है, इसलिए की हुई मार्किंग को अस्थाई बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम कहते हैं पंच। पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिए जाते हैं जिससे की हुई मार्किंग जाप बनाने के अंतिम समय तक दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसकी बनावट, इसको पंच कहते हैं। पंच की बनावट देखिए, ये पंच है। ठीक है, इसका ये हेड है, ये बॉडी है और आपका ये पॉइंट है। ठीक है ना, ये पॉइंट है, ये नर्लिंग किया हुआ है कि ताकि हाथ स्लिप ना हो, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं पंच। ठीक है, पंच आप पंच ये पंच का प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, ये है पंच, आपका पंच का प्रकार पढ़े, टाइप्स ऑफ पंच। तो पहला ये सेंटर पंच, क्या है सेंटर पंच, ये है सेंटर पंच। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जब ड्रिलिंग किया जाता है जॉब पे, तो ड्रिल करने के पहले जॉब पे सेंटर लगाते हैं, तो इसी पंच के द्वारा सेंटर लगा के फिर ड्रिलिंग करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई कार्बन स्टील के द्वारा बना के इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये हेड इसका जो है थोड़ा सा, ये देखना इधर कम है, इंक्लाइंट रखा गया है, क्योंकि ऊपर से जब चोट लगाएंगे तो फैलेगा तो यहाँ तक आएगा, बाहर न जाए। ठीक, अब दूसरा आता है डॉट पंच। ठीक है, दूसरा आता है डॉट पंच जॉब पे, जैसे ये जॉब है ना, ये जॉब है, ये जॉब, ये जॉब है, ये जॉब पे मार्किंग जो है, ये देखिए पंचिंग किया गया, किया गया है ना, तो यहाँ पे हम डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये डॉट पंच, यहाँ पे हम डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। ये देखिए डॉट पंच के द्वारा ये पंचिंग किया गया है, क्या किया गया है पंचिंग, डॉट पंच के द्वारा ये पंचिंग किया गया है। तो डॉट पंच का प्रयोग ये पंचिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जॉब पे परमानेंट मार्किंग को करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। इसका एंगल 60 डिग्री होता है, यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। डॉट पंच, ये डॉट पंच भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए अंतर इसमें बस यही होता है, इसका पॉइंट 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, बाकी सब कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब अगला आता है आपका प्रिक पंच। क्या आता है, प्रिक पंच। प्रिक पंच का प्रयोग आपका जो है चद्दरों में, ये सीट मेटल वर्क में काम करते हैं, वहाँ पे प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे डिग्री का होता है, जहाँ होते हैं ना, प्रायः नर्म धातु जॉब पर सीट मेटल में नर्म धातु होता है, वहाँ पे मार्किंग करते वक्त जरूरत पड़ती है पंचिंग की, तो वहाँ पे इस प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला आता है आपका हालो पंच। अगला क्या है, हालो पंच। हालो ये है हालो पंच, ये देखिए हालो पंच के द्वारा ये मार ना, हाँ ये छेद हो रहा है। ये देखिए हालो पंच का प्रयोग क्या है, सॉफ्ट या नरम धातु में छेद करने के लिए, देख रहे हैं ना, ये छेद हुआ है। ठीक है, नरम या सॉफ्ट धातु में छेद करने के लिए हालो पंच का प्रयोग करते हैं। हालो पंच उठाओ, हालो पंच देखिए बेटा, ये घुमाइए, ऐसे घुमा के दिखाओ, इसमें अंदर ये फंसा हुआ है ना, दिखाओ फंसा हुआ है ना, इसीलिए ऊपर छेद दिया, ऊपर ऊपर वाला छेद दिखा ना, हाँ ये छेद दिया ताकि ऊपर से किसी चीज़ से अंदर से प्रेस करेंगे तो ये जो अंदर फंसा हुआ कागज़ का टुकड़ा या रबड़ का जो भी वो निकल जाएगा। ठीक है बेटा, और ये देखिए इस पर भी नर्लिंग किया हुआ है, देख रहे हैं ना, इस पर नर्लिंग बताओ, देखो ये नर्लिंग किया हुआ ताकि हाथ स्लिप ना हो। ठीक है, तो ये है हालो पंच, ठीक से दिखा दो, फिर घुमा के आगे पीछे घुमाओ ना मुँह उसका जो है, हाँ ये है हालो पंच, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ भी देखिए, ये यहाँ देखिए, ये हालो पंच के द्वारा ये होल किया जा रहा है।
है ना, ये हॉलो पंच लिखा हुआ है, देखिए होल किया जा रहा है हैमर से हैमरिंग जैसे हमने किया, ये देख लीजिए ये हॉलो पंच है, ये देखिए ये ठीक है जी सर। हाँ ये हॉलो पंच है ना। अब इसके बाद आता है सॉलिड पंच, सॉलिड पंच, सॉलिड पंच या पंच सीट में सुराख करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके द्वारा जो सुराख किए जाते हैं वे सही साइज में नहीं होते, इसलिए यह रफ कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बैल पंच। ये पिन पंच है, ये पिन पंच और पंचों की तरह थोड़ा लंबा होता है, ये देख रहे हैं थोड़ा लंबा होता है, ये देखिए इसका बनावट भी अलग है। इसका कार पिन को किसी होल में फंसे हुए पिन को निकालने के लिए है, तो ये है पिन पंच। अब अगला पंच है आपका ऑटोमेटिक पंच। क्या है? ऑटोमेटिक पंच, ये देख रहे हैं ना ऑटोमेटिक पंच। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, इस पर हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको प्रेस करते हैं तो इस पर पंचिंग होते रहता है, तो यह है आपका ऑटोमेटिक पंच। जैसा कि आप पंच देख रहे हैं ना, ये हाई कार्बन स्ट्रिप का बना होता है, ठीक है, ये सेंटर पंच है 90 डिग्री, डॉट पंच है 60 डिग्री और ये प्रिक पंच है 30 डिग्री। ठीक, अब बारी आती है ये साइज की, पंच का साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है। का साइज उसकी पूरी लंबाई और उसके व्यास से लिया जाता है, यानी पूरी लंबाई यानी पूरा यहाँ से लेके पॉइंट तक पूरा लंबाई कितना होगा वो, और फिर उसके बाद ये जितना मोटाई होगा। जैसे ये दिया हुआ 150 mm, यानी कि लंबाई 150 mm है और ये मोटाई 12.5 mm है, और ये यानी कि डाया जो है 12.5 mm है। ठीक, और ये जब इसको हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं तो सभी के पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, और आपका जो है ये मटेरियल हाई कार्बन स्टील के ये पंच बनाए जाते हैं, है ना। और सुरक्षा सावधानियां ये है कि कभी भी इसको फालतू बेवजह कहीं हार्ड मटेरियल पे इसको लेके ठोकना नहीं चाहिए। हाँ, सावधानियां, इस पंच को लेके कहीं भी अनावश्यक किसी भी हार्ड मटेरियल पर रख के ठोक पीट नहीं करना चाहिए। यस सर। ठीक है, और कार करने के बाद तेल ग्रीस इसको ठीक से लगा के इसको रखना चाहिए, और समय समय पर इसको ग्राइंड करते रहना चाहिए ताकि कार ठीक से करे रोक। हाँ, अगला है बेल पंच। क्या है बेल पंच? इसका प्रयोग किसी जॉब का, जैसे जेनी कैलिपर के द्वारा गोल जॉब का केंद्र निकाले है ना। यस सर। तो इसी के, इसका प्रयोग गोल जॉब का केंद्र निकालने के लिए करते हैं। हाँ, ये है बेल पंच, है ना। इसका बेल पंच, इसका प्रयोग गोल जॉब का केंद्र निकालने के लिए करते हैं। जैसे ये गोल जॉब है, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ये गोल जॉब, ठीक है। यस सर। हाँ, ये गोल जॉब है, इसका केंद्र निकालना होता है तो बेल पंच का प्रयोग करते हैं। 3 लेग होते हैं, 3 लेग हैं, ठीक है। इसको सीधे, इसको कोई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, सीधे रखते हैं, बस ये बीच में पॉइंट है, ठीक है, बीच में पॉइंटर है इसका, ऊपर से हैमर का चोट लगाएंगे तो तीनों तरफ ये सपोर्ट मिल जाएगा, बीच में इसका केंद्र की जगह पंचिंग हो जाएगा। यस सर। पंच का प्रयोग आपका गोल जॉब का केंद्र आराम से निकाल लेते हैं। ठीक जी सर।